उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर सदर बाजार थाना क्षेत्र में टाउन स्थित हॉल में ओवरब्रिज के पास मालगाड़ी की चपेट में आकर मां बेटी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार कांटा क्षेत्र के मोहल्ला गढ़ी पश्चिमी निवासी चंगूलाल शुक्रवार सुबह पत्नी के साथ और 12 साल की बेटी के साथ सल्लिया जाने के लिए घर से निकला था। ऑटो से ये लोग शाहजहांपुर बस स्टैंड से उतरे और सल्लिया जाने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चल दिए। इस दौरान सदर थाना बाजार क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास प्रेमवती और प्रियंका बेटी बरेली की तरफ आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुल और रेलवे ट्रैक पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ देर के लिए ट्रेनों का संचालन रुकवा दिया गया। पुलिस ने शवों को रेलवे ट्रैक से हटवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चंगूलाल ने बताया कि उसके एक पुत्र और दो पुत्रियां थी। पुत्र और एक बेटी की शादी हो चुकी है। आज वो पत्नी और बेटी के साथ रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे सल्लिया एक रिश्तेदार के घर जा रहा था। अचानक मालगाड़ी आ गई, जिसकी चपेट में आने से पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। डाउन में गुड्स ट्रेन पास हो रही थी। डाउन में IDBR थी ट्रेन, जिसके गाड़ी की चपेट में आकर के दो लेडीज जो है, ओवर ब्रिज जो है, महाकाली जो होटल है उसी के पास में डाउन ट्रैक पे जा रही होंगी, तो उसी चपेट में आकर के हेड स्पॉट जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, घटना की सूचना जो है VRP RPF और सिविल पुलिस को दिया गया। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई की गई, ट्रैक को क्लियर कराया गया। अभी उनकी डिटेल पूरी हमारे पास भी आ